नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे इन इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन के अंदर, यानी कि जो इन इलास्टिक कोलिजन है वो दो डायमेंशन के अंदर क्या होता है। इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। तो इन इलास्टिक कोलिजन क्या है, इसके अंदर दो बॉडीज होती हैं जो पहले तो हम मान लेते हैं कि सेम स्ट्रेट लाइन में चल रही हैं और वो स्ट्राइक करती हैं एक दूसरे से, वो टकराती हैं, कुछ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी में होता है टकराने से, और फिर क्या होता है वो डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाती हैं लेकिन सेम प्लेन में ही रहती हैं, तो उसको हम बोलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। तो चलिए हम समझ लेते हैं इसको। अगर आपने जो पिछला लेक्चर है अच्छी तरह से समझ लिया है तो ये बहुत आसान है आपके लिए, तो इससे पहले पिछला लेक्चर आप जरूर देखिएगा। तो इसके अंदर देखिए क्या है, हमारे पास मान लीजिए एक बॉडी है ए और ये हमारी मूव कर रही है u1 वेलोसिटी के साथ, और एक बॉडी जो है वो है हमारी बी और जो मूव कर रही है u2 वेलोसिटी के साथ। अब इसके अंदर क्या है कि मान लीजिए ए है और ये बी के साथ टकराती है, ए जो आकर टकराती है तो जो ए है हमारी इस तरफ चली जाती है, ये जो बॉडी ए है इस तरफ आ गई और इसकी जो वेलोसिटी हो गई वो v1 हो गई, और जब ये इससे टकराई ए उस तरफ चली गई और बी जो है इस तरफ चली गई, और ये जो बी बॉडी है इसकी वेलोसिटी हो गई v2, इसका मास कितना है m2, जैसे कि यहाँ पे m2 लिख लीजिए m1, और इसका मास कितना है m1 है, तो m1 v1 और m2 और v2 मास और वेलोसिटी इसकी है। अब मान लेते हैं कि ये जो एंगल है ये थीटा एंगल पे है और ये जो एंगल है ये फाई एंगल पे चली गई है। अब इस केस के अंदर क्या रहेगा, जैसे कि हमने बात की कि कुछ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा और फिर ये डिफरेंट प्लेन में चली जाएगी, जैसे टकराई और डिफरेंट प्लेन में सेम प्लेन में चली गई लेकिन डिफरेंट डायरेक्शन में चली गई, तो डिफरेंट डायरेक्शन में और सेम प्लेन में ये है लेकिन डिफरेंट डायरेक्शन में है। तो अगर हम इसके केस के अंदर लें तो हमारा लीनियर मोमेंटम जो है वो तो कंजर्व रहेगा, यानी कि इनिशियल और फाइनल जो है वो दोनों बराबर रहेंगे, इनिशियल लीनियर मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर रहेगा। अब इनिशियल लीनियर मोमेंटम अगर हम देखें एक्स एक्सिस में, यानी कि ये जो है ये एक्स एक्सिस है और ये जो है ये वाई एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस के केस में इनिशियली लीनियर मोमेंटम क्या होगा, m1 u1 और m2 u2 बिफोर कोलिजन यानी कि इनिशियल, तो ये क्या आ गया m1 u1 प्लस m2 u2, ये आ गया, और इक्वल टू जो फाइनल है वो क्या आ जाएगा इसी एक्स में, ये आ जाएगा m1 v1, ये थीटा एंगल है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है हमारा थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा कोस थीटा, और अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा। तो यह हम बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की, एक्स के अंदर बात कर रहे हैं, तो फाइनल कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा m1 v1, यानी कि जो m1 v1 है और इसके साथ ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये क्या है कोस थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा कोस थीटा प्लस जो हमारा है। अब इसी तरह से अगर हम बात करें जो m2 v2 की बात करें तो m2 v2 का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये है लेकिन एंगल फाई है तो कोस फाई हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा m2 v2 cos फाई हो जाएगा। तो इस तरह से जो है इनिशियल लीनियर मोमेंटम जो है वो फाइनल लीनियर मोमेंटम के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो इनिशियल लीनियर मोमेंटम है फाइनल लीनियर मोमेंटम के बराबर इस तरह से लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा हमने क्या है इनिशियल लिया है m1 u1 m2 u2, यानी कि बिफोर कोलिजन है ये, और ये क्या है ये है हमारा आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन के बाद जो है ये डिफरेंट डायरेक्शन में चली गई थी, तो हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिए हैं क्योंकि हॉरिजॉन्टल की ही हम बात कर रहे हैं। इसी तरह से अगर हम वर्टिकल की बात करें, वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें तो वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे ये क्या हो जाएगा m1 v1 का ये थीटा है, तो ये जो है ये वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा साइन थीटा, और ये फाई है तो इसका जो है m2 v2 का अगर ये कंपोनेंट हम देखें ये कितना हो जाएगा साइन फाई। तो अब देखिए ये m2 v2 है यानी कि ये m2 v2 साइन फाई हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा m1 v1 साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि m1 v1 का ये वर्टिकल कंपोनेंट है m1 v1 साइन थीटा और इसका m2 v2 का ये m2 v2 साइन फाई। तो यहाँ पे सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट है दोनों, तो यानी कि आप इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं, m1 v1 साइन थीटा इक्वल टू ये क्या आ जाएगा m2 v2 साइन फाई, m2 v2 साइन फाई, ये सेम है जैसा कि इलास्टिक कोलिजन के अंदर हमने निकाला था टू डायमेंशन के अंदर, लेकिन इसके अंदर क्या है हम इन इलास्टिक कोलिजन ले रहे हैं यानी कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हमें जरूर दिखाना है, तो इसलिए जो है वो सेम ही रहेगा लेकिन ये जो है हमें लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के साथ जो है इस तरह से दिखाना है। तो इसी तरह से अगर आप इसको इस तरफ ले आते हैं तो ये माइनस में आ जाएगा इक्वल टू जीरो आ जाएगा,
वो भी आप लिख सकते हैं। बात करते हैं अगर हम परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन की बात करें। अब परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन क्या है, इसके अंदर हम मान लेते हैं कोई एक बॉडी है हमारे पास, ये इस तरह से मूव कर रही है, और ये मान लेते हैं कि ये जो एंगल है एक्स एक्सिस से थीटा एंगल है, ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, और ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस मान लेते हैं। तो ये थीटा एंगल है, और ये जो ए बॉडी है ये इस तरह से इस थीटा एंगल पे मूव कर रही है, और जो ये बी बॉडी है हमारी ये इस एक्स एक्सिस में मूव कर रही है, यानी कि इस डायरेक्शन में मूव कर रही है यू टू के साथ। ये ए है और ये है हमारी बी बॉडी, तो ये थीटा एंगल पे मूव कर रही है। ध्यान दीजिएगा ए बॉडी थीटा एंगल पे है और बी जो है सीधा जो एक्स एक्सिस में मूव कर रही है। तो इसकी जो है ये जो इसका मास है कितना है m1 और इसकी वेलोसिटी है u1, इसका मास कितना है m2 और इसकी वेलोसिटी है u2। अब इसके अंदर देखिए जैसे ही पहले अगर हम पहले की बात करें यानी कि जो लीनियर मोमेंटम है बिफोर कोलिजन की अगर हम बात करें तो वो हमारा क्या होगा। अब देखिए लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन वो क्या होगा, और हम ले रहे हैं एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग लेना है। अब ये तो हमारी इंक्लाइंड है थीटा पे, तो ये जो इसका कंपोनेंट है, ये जो कंपोनेंट है ये कंपोनेंट क्या बनेगा, m1 u1, ये थीटा है तो ये हमारा जो कंपोनेंट कौन सा होगा, कोस थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो बिफोर कोलिजन m1 u1 आप कोस थीटा लेंगे, ना कि सिर्फ m1 u1, क्योंकि ये जो है हम x एक्सिस पे अलोंग x एक्सिस ले रहे हैं और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसका कोस थीटा। तो यहां पर आप ये लिखेंगे m1 u1 cos थीटा, ये लिखेंगे प्लस, इसके प्लस में क्या आ जाएगा m2 u2। अब इसके साथ कोई भी एंगल नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये तो सीधा ही x एक्सिस में मूव कर रहा था, बिफोर कोलिजन की बात कर रहे हैं। बिफोर कोलिजन ये m1 u1 इस एंगल पे था, यानी कि ये हमें लेना है ये वाला कंपोनेंट इसका x एक्सिस की अगर हम अलोंग लेंगे, तो ये कंपोनेंट हो गया m1 u1 cos थीटा प्लस m2 u2, ये हो जाएगा बिफोर कोलिजन। और आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, आफ्टर कोलिजन ये जो है सेम वेलोसिटी के साथ चलेंगे। अब ये दोनों टकराए, अब मान लीजिए ये दोनों जो है सेम वेलोसिटी के साथ मूव किए, अब इनकी जो वेलोसिटी है वो आप मान लीजिए कि ये v के साथ मूव कर रहे हैं, जब ये टकराए तो दोनों ही ये जो स्टिक हो गए, क्योंकि ये परफेक्टली इलास्टिक में क्या होता है ये चिपक जाते हैं और साथ में एक ही वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं, यानी कि ये सिर्फ एक कॉमन वेलोसिटी v के साथ मूव करेंगे। हम बात कर रहे हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की, ध्यान दीजिएगा दोनों चिपक जाएंगे और स्टिक होकर ये आगे की तरफ एक कॉमन वेलोसिटी के साथ चलेंगे। तो अगर आफ्टर कोलिजन की बात करें तो आफ्टर कोलिजन जो दोनों मास हैं वो तो ऐड हो जाएंगे m1 plus m2, और जो वेलोसिटी है वो v हो जाएगी। अब जो v है, अब ये एंगल हम मान लेते हैं कि ये जो एंगल है ये फाई है, ये थीटा माना था ये फाई मान लें। तो अगर हम बात करें x एक्सिस की, अब ये v के साथ चल रही है लेकिन ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा cos फाई, ये cos फाई होगा आफ्टर कोलिजन क्योंकि ये फाई एंगल पे चला गया और ये एंगल है फाई, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है cos फाई क्योंकि x एक्सिस की बात कर रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा v cos फाई आ जाएगा। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है, बस ये पहले ही एंगल पे था ये सीधा चल रहा था, तो m1 u1 cos थीटा और m2 u2 सिंपल क्योंकि इसके साथ कोई एंगल नहीं था पहले ही, बाद में ये टकराई और फाई एंगल पे चला गया, यानी कि m1 plus m2 और ये जो इसका हॉरिजॉन्टल अगर x में देखें x एक्सिस के अलोंग ही हम ले रहे हैं सारे, तो m2 जो m1 plus m2 v और cos फाई ये चीज आ जाएगी। अब अगर आप जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है अलोंग y एक्सिस भी अप्लाई करते हैं, ये तो हमने x एक्सिस अप्लाई किया है, अलोंग अगर आप y एक्सिस भी अप्लाई करते हैं इसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन को जो कि लीनियर मोमेंटम का है कि वो कंजर्व रहेगा, अब y एक्सिस में क्या होगा, अब मैं जो लिखूंगा क्या वो सही है, बस आपको वो देखना है m1 u1 sin थीटा, m1 u1 sin थीटा प्लस 0 इक्वल टू m1 प्लस m2 और इसके साथ मैं लिख देता हूं v sin phi। क्या ये सही है, बिल्कुल ये सही है, क्यों, क्योंकि देखिए अब हम y एक्सिस की बात कर रहे हैं, अब y एक्सिस की बात करेंगे तो y एक्सिस में जो पहले ये जो है बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन की बात, इस तरफ क्या है ये बिफोर कोलिजन है और ये क्या है आफ्टर कोलिजन है, ये आफ्टर कोलिजन है। तो बिफोर कोलिजन की बात करें तो m1 u1 ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट cos थीटा, ये कितना हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट sin थीटा, m1 u1 sin थीटा, ये हमने लिख दिया। अब अगर हम बात करें इसका, इसका तो वर्टिकल कंपोनेंट है ही नहीं जो बी बॉडी है, क्योंकि ये तो x एक्सिस में ही चल रही थी विदाउट एंगल, तो ये आ गया
जीरो, ये ध्यान दीजिएगा, इसका कोई भी वर्टिकल कंपोनेंट है नहीं, इसका तो था हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। अब इसी तरह से जब ये टकराए, आफ्टर कोलिजन क्या होगा, आफ्टर कोलिजन क्या होगा, टकराए और साथ में चल दिए v वेलोसिटी के साथ, यानी कि m1 plus m2 v, लेकिन जो हम y एक्सिस की बात कर रहे हैं, वर्टिकल कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये एंगल फाई था, ये क्या हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट इसका साइन फाई, यानी कि m1 plus m2 v साइन फाई के बराबर ये आ जाएगा। अब अगर आपको जो है m1 m2 की, u1 u2 की और थीटा की वैल्यू पता कर लगती है, तो आप जो है v की वैल्यू जो है आसानी से निकाल सकते हैं, जो v है इसकी वैल्यू जो है आप आसानी से निकाल सकते हैं। और इसी तरह से जो है आप इसकी इन इक्वेशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं जो इन इलास्टिक कोलिजन है टू डायमेंशंस के अंदर। तो ये था हमारा इन इलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और ज्यादा इसी तरह की वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।